ये है मिथिला में पांच प्रकार के अल्पना होता है मुख्यतः जैसे शादी ब्याह हुआ या देवउठान हुआ गवाह संक्रांति हुआ पूजा का हुआ बेटी चुमान बेटा चुमान ये सब जो है मुख्य मुख्य समय पर पांच तरह का मुख्य अल्पना होता है। पहला अल्पना कौन सा है? पहला अल्पना है जो आशीन महीना में जो संक्रांति होता है जी। उस संक्रांति को हम लोग गवाह संक्रांति कहते हैं कि धान में गव धरता है उसी संक्रांति को हम लोग गवाह संक्रांति कहते हैं। वो गवाह संक्रांति में हम लोग को आंगन में वही अल्पना पड़ता है वही अल्पना बनता है जिसमें कि भगवती घर से लक्ष्मी जी का पैर बाहर की तरफ आता है जो कि खेत में जाता है। खेत में जाता है वही कहता है गवाह संक्रांति में हर चीज बनता है जैसे जितने घर में जेंट्स है उतना खराम का छाप बनता है वो है जो कि सूप चालन तांबा चकला बेलना जितना जो चीज आश्रमिक चीज होता है सब कुछ ये बैल बना है आपने कीली का बैल हल जोता है खेत में ये कोठी है गांव घर में बखारी या कोठी होता था ना ये बखारी हुआ ये कोठी हुआ ये केरा गाछ तर में राही है जो अल्पना बनाती थी और भगवान को देख के छुप गई है बेटी चुमान है बेटा चुमान है ये सब बनता है सब कुछ गवाह संक्रांति पहला गवाह संक्रांति में। और दूसरा जो है सत्यनारायण भगवान का पूजा कैसे होता है तो सत्यनारायण भगवान के पूजा नीचे अल्पना नीचे दिया हुआ है पूजा इसी अल्पना पर पूजा होता है इसलिए सत्यनारायण भगवान का पूजा का अल्पना पूजा करते हुए दर्शाया गया है। अल्पना में क्या क्या आपने दर्शाया है? पूजा के अल्पना में है जैसे अष्टदल कहा जाता है अष्टदल में अष्टकोण होना चाहिए बीच में लक्ष्मी नारायण होना चाहिए सूर्य चंद्रमा नव नवग्रह ये सब जो है पूजा के प्रसाद रखने के लिए अल्पना बनता है और नीचे आसन का अल्पना बनता है तो इसी अल्पना पर सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है। और ये जो हुआ सो जेठान जैसे देवउठ कार्तिक महीना में जो एकादशी होता है उसको जेठान कहा जाता है उस जेठान में ये अल्पना हम लोग चौसर कहते हैं जो चौसर वो अर्जुन खेले थे ना शकुनी खेले थे यही चौसर हुआ चौसर में फिर वही चीज सब बनता है जो जेठान में बनता है गवाह संक्रांति में बनता है वही सब जेठान में बनता है। अच्छा अच्छा इसमें अंतर इतना ही है कि जो उसमें भगवती घर से पैर बाध में गया है आंगन में और इसमें क्या है जो आंगन से पैर गया हुआ भगवती घर में जैसे धान काट के लाते हैं आंगन में वो घर जाता है लक्ष्मी जी घर जाती है। अच्छा इसलिए पैर भीतर गया हुआ बाकी सब कुछ उसी तरह। और ये जो है ये है बेटा के चुमान बेटा के जनऊ हो मुंडन हो शादी हो गौना हो इसी अल्पना पर चुमान होता है इसी अल्पना पर डाला रख करके चुमान होता है तो ये अल्पना है। और ये सूर्य चंद्रमा नव नवग्रह रहता है पुरहर पातिल ये आसन ये बनता अल्पना बनता है इसी पर रख के बेटा के चुमान होता है। ये तो पूजा का अल्पना हो गया और ये हो गया बेटी के चुमान बेटी के शादी होता है या गौना होता है तो बेटी के चुमान इसी पर होता है। बस एक प्रकार से कोहबर की तरह लग रहा है। हाँ कोहबर ही है कोहबर ही पर शादी भी लड़की को होता है ना तो लड़की के शादी में मंडप पर हम लोग को यही अल्पना बनता है। इसमें कुछ मीनिंग होगा कैसे? नहीं ये सात पत्ता होता है बीच में एक पत्ता छह पत्ता चारों तरफ जैसे पुरेन का पत्ता बोलता है यही कोहबर पड़ता है बेटी के शादी में सूर्य चंद्र और नवग्रह। तो चुमान जो होता है चुमान का क्या मतलब होता है? चुमान होता है जैसे दुल्हा दुल्हन हुआ चाहे जनऊ होता है तो बच्चा के शुभ दुभिधान देते हैं ना दुर्वाक्षत जिसको दुर्वाक्षत जेंट्स लोग देते हैं पंडित लोग देते हैं उसके बाद माँ चाची जितने जो है जो धान से चुमाया जाता है आशीर्वाद के लिए। अच्छा अच्छा और इसमें जो आपने कलर यूज किया है कौन सा कलर इसमें आपने डाला है? कलर यूज किए हैं इस पर इसमें हम लोग फैब्रिक कलर यूज किए फैब्रिक ये। अच्छा और पहले तो गांव घर में पेपर पर बनता था तो हम लोग नेचुरल कलर से बनाते गोबर के कलर बनाते थे लैंप के स्याही से कलर बनाते अर्जुन
फूल से कलर बनाते, सिंहार के फूल के डंडी से कलर बनाते थे, सीम के पत्ता से कलर बनाते थे, लेकिन वो सब कलर जो था ना सो सिर्फ पेपर पर के ही लिए। अच्छा। पेपर पर देने से तो पेपर तो धुलाता नहीं, लेकिन कपड़ा पर दे देने पर कपड़ा धुल जाएगा। अच्छा। रंग धुल जाएगा। अच्छा अच्छा। इसलिए कपड़ा पर के लिए यही आर्टिफिशियल कलर देते हैं। और गाँव बाहर में तो अब पेपर पर के लिए भी कलर सब उपलब्ध नहीं है, कहाँ मिलेगा, तो वही पैंतीस साल से बना रही है। बहुत बढ़िया बात है। हम 10 वर्ष के थे, 11 साल के थे, तो हमको जगन्नाथ मिश्रा प्राइज दिए थे। अच्छा। मिथिला यूनिवर्सिटी के भाई चांसलर दिए थे प्राइज। और उसके बाद जयनाथ बाबू थे मिथिला जगन्नाथ मिश्रा के ससुर, वो भी दिए थे। बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने, वो भी दिए हमको। बहुत बढ़िया। एक बार अर्जुन विक्रम शाह खेल मंत्री थे, वो भी हमको प्राइज दिए। सबके साथ मेरा फोटो है। अच्छा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद नीलम जी।